विजय के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग। बरेली में नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की इलेक्ट्रिक बस के एसी कंप्रेसर फटने से मैकेनिक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक की पत्नी व परिजनों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया एवं सरकारी नौकरी के साथ आर्थिक सहायता की मांग की। बताते चलें, 22 सितंबर को किला क्षेत्र के शौले नगर इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन एवं सर्विस पॉइंट पर एसी की गैस डालते वक्त कंप्रेसर फटने से मैकेनिक विजय कुमार की मौत हो गई थी। मृतक विजय कुमार की पत्नी सुषमा रानी का आरोप है, विजय कुमार मैकेनिक था, उससे एसी ठीक कराने का काम क्यों कराया जा रहा था। एसी का कंप्रेसर फटने के बाद घटना के समय इलाज के लिए काफी देर तक विजय तड़पता रहा। मृतक विजय की पिता रामपाल द्वारा उसकी दिन थाने में मामला पंजीकृत कराया गया था। मृतक की पत्नी सुषमा रानी का आरोप है कि मुकदमे में नामजद आरोपी पहले तो दिलासा देते रहे थे, परंतु अब मुकदमा वापस न लेने की धमकियां दे रहे हैं। वहाँ लोग सब हैं हॉस्पिटल में, सब लोग, जब हम लोग पहुँचे वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। डेड बॉडी शव गृह में डाल दी थी ले जाके, अकेले हम लोगों ने जब देखा तो हमें अपनी सेफ्टी कर ली, क्या कहते हैं, हमें यकीन नहीं हुआ ऐसा हो सकता है। हमसे कहा गया छोटा सा हादसा है, ये छोटा सा हादसा दिखता है आपको? अधिकारी तक मिलने नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे से, नहीं कोई भी नहीं हुआ है, कोई संवेदना नहीं। मेरे बेटा के साथ बहुत लापरवाही करी थी, और जो दलित है नीचे नजर से देखते थे, खाना नहीं खाने देते थे, पेट की खातिर मेरा बेटा करता रहा। ये मजबूरी थी काम करने की, मजबूरी है, उनने कोई फोन नहीं करा मेरे बेटा के लिए, फिर भी मेरी बहू ने फोन करा कि कहाँ हो, तब भी उन्हें नहीं कहीं पता चला। तीन डिट्रिक में ताला डाल दिया मेरे बेटे का, वहाँ बंद कर दिया, डिपो में ताला डाल दिया। मुझसे ये लोगों ने कहा।